शायद हम दोनों की ना किस्मत ही खराब, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि हम दोनों भगवान के फेवरेट्स हैं, एंड ये भगवान का तरीका था हमें दिखाने के लिए कि जिन लोगों को हम अपना जीवन साथी समझ रहे हैं ना, वो कभी हमारे थे ही नहीं। शायद दुनिया में कहीं और कोई और है जो हमारा वेट कर रहा है। अरे को पता है, आराम आठ साहब से मिलना, उनके साथ यहाँ मुंबई आना, अरे को हमारे जीवन का सबसे सही फैसला लगा था। उनका पूरा परिवार हमारे इस रिश्ते के खिलाफ था, और अरे को भी अपने दिल की बात समझना आ रही थी, क्योंकि ऐसा तो हमारे साथ पहली पहली बार हो रहा था ना। जैसे ही अपने दिल की बात समझी, आठ साहब ने अपने पूरे परिवार को मना लिया। वो जिस तरह हमारी ढाल बनकर खड़े थे, अपनी दुनिया से लड़ रहे थे, अरे को लगा उनसे बेहतर इंसान तो हमारे लिए हो ही ना सकता। और अब उन दिनों के मुकाबले ना तो ये सब एक बहुत बुरा सपना लगता है। लगता है बस अभी हमारी आंखें खुलेंगी और मैं मारे मार्ट साहब के पास होंगी, अपने परिवार के साथ होंगी। फिर एहसास होता है कि सपना तो वो सब था, ये तो हकीकत। अगर तुम बुरा ना मानो तो तुमसे एक बात पूछूं? पूछो। अयान ने तुम्हें इतनी बार सॉरी बोला, तुम्हें पाने के लिए वो सब कुछ कर रहा है, इवन तुम्हें मनाने के लिए वो रात भर बारिश में खड़ा रहा, एंड आई नो कि तुम भी उससे प्यार करती हो, फिर ऐसा क्या है जो तुम्हें उसके पास जाने से रोक रहा है? हमारा सवाल बिल्कुल सही है। मैं भी जब मार्ट साहब को हमारे लिए इतना कुछ करते हुए देखती हूँ ना, वो सोचती हूँ कि औढ़ कर उनके पास वापस लौट जाऊं, अपने परिवार के बीच, और फिर ये सोचकर रुक जाती हूँ ऐसा तो ना है ना कि मार्ट साहब ने हमारे साथ ये सब पहली बार किया है। हर को पता है, हर बार उनके परिवार ने हमारे पर इल्जाम लगाए, हमारे को ताने दिए, हर बार हमारे को अपनी बेगुनाही साबित करनी पड़ी। पर इस बार जो मैंने मार्ट साहब का रूप देखा ना, देखकर मारे को यकीन हो गया कि ये वो मार्ट साहब ना हो सकते जिनसे मैंने प्यार किया था, क्योंकि इन्होंने तो मारे से मारा सपना, मारा क्रिकेट छीन लिया। ये सब जानते हुए कि मैंने उनके परिवार के लिए के ना किया है, उसके बाद भी मैंने हर बार उनकी नाराजगी समझी और उन्हें मना लिया। और मारे को तो ये समझना आता, इन सब के बीच हमारे क्रिकेट को क्यों लाए, वो क्यों छीन लिया हमारे से, प्यार ऐसे थोड़ी होता है। मैं तो उनके साथ कभी ऐसा ना करती, फिर भी उन्होंने जो किया मैंने सब सर झुकाकर सह लिया, क्योंकि मारे लिए उनके साथ उनके प्यार से बढ़कर और कुछ ना था। उसके बाद वो भी उन्होंने मारे से छीन लिया, के ना सुनाया हमारे को। और पता है, हंसने वाली बात ये है कि वो रूहान जिसकी वजह से ये सब कुछ हुआ था ना, उस पर तो हमारे को गुस्सा भी ना आता, और यही गुस्सा मार्ट साहब के लिए दिन बर दिन बढ़ता जा रहा है। शायद इसलिए क्योंकि वो रूहान हमारे लिए कभी कुछ था ही ना, एक अनजान आदमी था जो अपना बदला लेने आया था और लेकर चला गया। और मार्ट साहब, उनसे तो मैंने सच्चा प्यार किया था ना, वो तुम्हारे अपने थे, उन्हें तो मैंने अपना पूरा जीवन सौंप दिया था, वो कैसे कर सके हमारे साथ ऐसा? अभी भी कभी कभी सोचकर डर लगता है कि अगर मैं उस दिन थारे से ना टकराई होती तो मैं कहाँ होती। क्या हुआ? कुछ नहीं, वो डच क्या कहते हैं कि राधा रानी की शायद यही मर्जी है कि तुम और मैं मिले। हाँ शायद। धन्यवाद। धन्यवाद? माय गॉड, ये पताशी वाले ने क्या मिला दिया अपने पानी में? ये लड़की धन्यवाद बोल रही है, वो भी मुझे? तुम्हें तो रोज लाना चाहिए यहाँ पे मुझे। ओ मिस्टर, थारी मदद के लिए थारे को धन्यवाद ना कहा है। वो थारे से आज बात करके मन बहुत हल्का हो गया, इसलिए आज से पहले इस बारे में मैंने किसी से ऐसे बात ना की थी। चलो बहुत हो गया, थे भी मारे को सॉरी बोलो। सॉरी? मैं किस बात का सॉरी बोलूं अब? इतनी जल्दी भूल गए? हारे थे ना अभी। पताशी सर चढ़ गई है तुम्हारे, भूल गई हो क्या? नील कभी लड़कियों को सॉरी नहीं बोलता। तुम्हारे को पता था, थे कभी ना सुधरने वाले, वैसे के वैसे ही रहोगे। Exactly, वैसे ही रहूंगा मैं। बैठो अंदर।
आप लोग आ गए? इतनी देर कहाँ हो गई? और अयान कैसा है? जी अब वो ठीक है, उन्हें होश पे आ गया। नर्स आपको क्या हुआ? आप इतने हैरान क्यों हैं? ये क्या है? ये पेपर्स आज शाम को ही आए हैं, पढ़ो। जेएमआर्ट, अब क्या भेज दिया इन लोगों ने? क्या हो गया? क्या लिखा है? ये तो उसी डील के पेपर्स हैं। अयान ने हमारी डील एक्सेप्ट कर ली, वो हमारे साथ कोलैबोरेट करने के लिए तैयार है। वही तो बेटा जी, आपको नहीं पता था इसके बारे में? आप तो पूरे दिन वहां थी ना। कमाल है, हमें तो लग रहा था कि उस दिन के झगड़े के बाद अयान ये पेपर साइन नहीं करेगा, लेकिन उसने तो सामने से ये पेपर्स भेज दिए। अब समझ में आ रहा है कि ऐसे ही नाम नहीं है मित्तल्स का मार्केट में। मुझे नहीं लगता ये डील हमें एक्सेप्ट करनी चाहिए। पहले की बात कुछ और थी, तब दोनों फैमिलीज के बीच में कोई टेंशन नहीं थी, पर अब वैसा माहौल नहीं है। लॉन्ग रन में प्रॉब्लम हो सकती है, डिस्प्यूट पड़ गया है ना। बेटा जी बात की बाद में देखेंगे, लेकिन अभी तो सामने से उन्होंने पेपर्स भेजे हैं, तो इन्हें रिजेक्ट करके हम उनका अपमान नहीं कर सकते हैं। बेटा जी वो चाहते हैं कि हम पुरानी बातें भूलकर शुरू से शुरू कर। ट्राई टू अंडरस्टैंड बेटा, बिजनेस में ईगो नहीं होता है। बट डड्स, बेटा जी हमें तो लगता है कि अयान ने फालतू की वजह से ये पेपर साइन किए। वो सच में इससे एक मौका चाहता है और साथ में हमारा भी मान रख लिया। अरे को तो कुछ समझ ना आ रहा कि मार्ट साहब आखिर चाहते क्या हैं? क्यों कर रहे हैं वो ये सब? ईल के साथ हुए अपने झगड़े के बाद भी वो क्यों झुकने को तैयार? ये माँ के नुस्खे वाला काढ़ा पियेंगे ना मार्ट साहब, तो झट से ठीक हो जावेंगे। पता नहीं ये सब करके साबित क्या करना चाहते। पहले तो पूरी रात बारिश में भीग लिए, उसके बाद ये डील के कागजात भिजवा दी। हीरो बनने का शौक चढ़ा हुआ है ना? ऐसा काढ़ा पिलाऊंगी कि सारी हीरोगिरी निकल जाएगी। क्या मिस पेंचर? तुम तो कह रही थी तुम्हें अयान से कोई रिश्ता नहीं रखना है, तुम उसके लिए कुछ नहीं करोगी, अब उसके लिए काढ़ा बना रही हो, इतनी परवाह कर रही हो, किस लिए? ये तो मैं बस इंसानियत के नाते कर रही हूँ। अच्छा तुम ना एक काम करो, जाके आईना देखो, कैसे प्यार बरसा है चेहरे पे अयान के लिए। कोई प्यार व्यार ना है, इंसानियत के नाते बस परवाह है मारे को। हमारी वजह से उनकी तबीयत खराब हुई और इसका बोझ मैं अपने सर ना ले सकती। परवाह ना ही हो ना तो ये अच्छा है फालतू, क्योंकि इंसान की ना फितरत नहीं बदलती। तुम खुद ही कहती हो ना कि अयान ने हमेशा तुम पर शक किया है। क्यों? क्योंकि वो उसकी फितरत है। आज माफी मांग रहा है, कल फिर शक करेगा, क्योंकि ये शक नाम का जो कीड़ा है ना, ये एक बार दिमाग में घुस गया तो आसानी से निकलता नहीं। वो सब तो ठीक है, पर ते हमारे को ये सब क्यों कह रहे हो? नहीं यार, क्योंकि मैं तुम्हारी अभी मत कहना कि ते भी मारी परवाह करो। क्यों नहीं कर सकता? बैन है। नहीं भूल गए, ते हमारे से और सारी लड़कियों से नफरत करते हो। हाँ तो ठीक है ना, जाओ फिर जाके तुलवा लो अपना दिल, मैं वहीं मिलूंगा तुम्हें उसी घर के बाहर खड़ा गाड़ी के साथ। जब रोते रोते आओगी ना तो तुम्हें घर ले जाऊंगा। तुम लड़कियां ना कुछ भी नहीं सीखती हो। रुको नील, मैं ना चाहती कि तुम रोज रोज वहां हमारा इंतजार करो। क्यों? क्योंकि मैं छोटी बच्ची ना हूँ नील, अपना ध्यान खुद रख सकूं। थारे दादाजी को इस वक्त थारी सबसे ज्यादा जरूरत है, तो अगर थारे पास टाइम है ना तो उन्हें दो,
उन्हें इस डील में थारे सहारे की सबसे ज्यादा जरूरत है। चाहे प्लीज उस पर ध्यान दो ना। चाहे प्लीज पे ध्यान दो ना। मेरे दादाजी मैं देख लूंगा। तुम अपनी ये मोटी चीजों ना कहना, ये हमारे बिजनेस में से बाहर रखो। बढ़िया। ये झील चील पील ढील भी ना हर बात पे लड़ने लगता है। लड़ने का एक मौका ना छोड़ दो लड़ाकू कहीं का। पर दादाजी शायद सही कह रहे थे, दिल का इतना बुरा भी ना है। तुम खुद ही कहती हो ना कि अयान ने हमेशा तुम पर शक किया। क्यों? क्योंकि वो उसकी फितरत है। आज माफी मांग रहा है, कल फिर शक करेगा। क्योंकि ये शक नाम का जो कीड़ा है ना, ये एक बार दिमाग में घुस गया तो आसानी से निकलता नहीं। नील वाकई में सच कह रहा है, पांच साहब कभी ना बदलने वाले। और फिर वो हमारे लिए जो ये सब कर रहे हैं, वो उसके कोई मायने ना। क्या हुआ आलू को? रात तक तो ठीक था, अब क्या हुआ इसे? शायद इनके खाने में कुछ ऐसा वैसा आ गया होगा जिसकी वजह से इन्हें फूड पॉइजनिंग हो गई है। अब मैं भी देखती हूँ कल फालतू इस घर में कैसे घुसती है। फूड पॉइजनिंग? लेकिन आग तो यही थी ना, तो फिर ऐसे कैसे कुछ भी खा लिया? आप कर क्या रही थी? मैम मैंने कुछ नहीं खिलाया, इनका खाने पीने का तो इनकी वाइफ देख रही थी ना, वो ही लाई थी इनके लिए खाना। क्या हुआ यार को? लगता है कल जो इन्होंने खाया था उनको सूट नहीं किया, तो हम देखभाल कर रहे हैं। आप लोग प्लीज पैनिक क्रिएट मत कीजिएगा। माँ, फालतू कहाँ है? उसे बुलाइए ना, वो एक बार आएगी ना सब ठीक हो जाएगा। तुझे कब समझ आएगी? वो लड़की तेरे लिए सही नहीं है, तेरी तबीयत और खराब करके वो चली गई। चली गई मतलब? मतलब जैसे ही तुम सो गए वो नील उसे लेकर चला गया। वैसे भी वो हमारे घर के बाहर पूरा दिन खड़ा था वॉचमैन की तरह, जैसे हम खा जाएंगे उसे। अयान प्लीज रिलैक्स। अयान प्लीज डॉक्टर को अपना काम करने दो, और फालतू के नुस्खों से कुछ भी नहीं होने वाला है। पता नहीं उसने क्या खिलाकर तुम्हारी इतनी तबीयत खराब कर दी। मैंने तो पहले ही कहा था मेरे आयु के आसपास उस लड़की को भटकने भी मत देना, लेकिन मेरी बात सुनता ही कौन है? देख लिया नतीजा अपनी आंखों से। कुछ तो लिहाज रखो सविता, हर गलती तुम इस तरह फालतू पर नहीं डाल सकती। सारा दिन उसके साथ बैठी है, उसकी सेवा कर रही है, कुछ गलत खाया होगा अयान ने, डॉक्टर देख रहा है ना। आप और कितनी तरफदारी करेंगे उस फालतू की? फालतू फालतू फालतू, वो अनपढ़ गवार लड़की, उसे तो कुछ पता भी नहीं है कि ऐसी बीमारी में क्या खिलाते और क्या नहीं। उल्टा सुल्टा खिलाया होगा, इसीलिए मेरे बच्चे को इतनी तकलीफ हुई। लेकिन मैं भी क्या आपको बता रही हूँ, क्योंकि आपकी आंखों पर तो फालतू के प्यार की पट्टी है ना, आपको तो कुछ नहीं दिखेगा। मेरे बच्चे की तकलीफ आपको कभी नहीं दिखेगी, कभी नहीं। क्या हाल बना लिया है यहाँ तुमने अपना, बट डोंट वरी, मैं तुम्हारी तबीयत बहुत जल्द ठीक कर दूंगी। बिटिया चाय तो पीती जाओ। ज्ञान काका चाय पीने का ना समय ना, मेरे को जल्द से जल्द मार्ट साहब को ही काढ़ा पिलाना है। चली जाना, हमने गाड़ी रेडी करवा दिया है, ड्राइवर को सुबह ही बुला लिया था। खाना भार था रहा, पर मैं ऐसे ही चली जाऊंगी। थे वो गाड़ी ना दादाजी के आने जाने के लिए रखो, उनके काम आवेगी। बिटिया दादाजी के लिए दूसरी गाड़ी है, नील बाबू ने कहा है कि आपको गाड़ी में ही भिजवाएं। ना काका सच में मैं ऐसे ही चली जाऊंगी, मारे को वैसे भी आदत है और किसी पर बोझ बनना मारे को अच्छा ना लगता। चलती हूँ, ध्यान रखिएगा।
किंचुक, तुम अभी फालतू को कॉल करना और उसे कहना अपनी शक्ल भी दिखाने की जरूरत नहीं। पर मां, मैं कैसे? दीदी, ये आप क्या बोल रही हो? मैंने खुद देखा है फालतू को खाना बनाते हुए, सब खाना हेल्दी था, और भयान को नुकसान पहुंचाने के बारे में फालतू कभी सोच भी नहीं सकती। फालतू बहुत प्यार करती है अयान से। दीदी, प्यार? वो अयान से प्यार नहीं करती। इनफैक्ट वो मेरे बच्चे से बदला लेना चाहती। मेरे आयु ने गलत फहमी की वजह से जो शक किया ना, उसका बदला। ये तो मैंने सोचा ही नहीं बड़ी माँ। कुछ भी बोले जा रही हो तुम, कुछ भी। अगर अयान ने ये बातें सुन ली ना, तो तुम्हारी इज्जत उसकी नजरों में क्या रह जाएगी? आठ साहब उठ गए के? बाबा, मैं मार्ट साहब के लिए ना काढ़ा बना कर लाई हूँ। ये मारी माँ मारे लिए बनाती थी जब भी मैं बीमार पड़ती थी ना, तब एकदम जादुई काढ़ा है। इसे पीकर 2 मिनट में ठीक हो जाती थी। देखना, ये पीकर ना मार्ट साहब एकदम दौड़ने लगेंगे। मैं उन्हें अब ये पिला कर आती हूँ। दौड़ेगा तो तब ना, जब तुम उसे चलने लायक छोड़ोगी। क्या मतलब है तारा? क्या खिलाया था तूने मेरे बच्चे को जो उसकी तबीयत इतनी बिगड़ गई? के पार्थ साहब की तबीयत बिगड़ गई है, और वो कल तो बिल्कुल ठीक थे। मैंने उन्हें अपने हाथों से सूप और खिचड़ी खिलाई थी, फिर कैसे? मैं उन्हें अभी देख कर आती हूँ। रुको, तुम और तुम्हारे ये देसी नुस्खे, एक बात याद रखना, आज के बाद तुम मेरे बच्चे के आसपास भी नहीं दिखोगी, समझी? क्योंकि जब भी तुम उसके पास गई हो ना, उसके साथ कुछ ना कुछ बुरा हुआ है। बस करो सविता, बस। मेरे सबर का इम्तिहान मत लो। देखो फालतू, अयान को फूड पॉइजनिंग हुआ, और कल अयान ने खाना तुम्हारे हाथ से ही खाया था, तो तुमसे ही कोई ना कोई भूल हुई होगी ना। अब अयान की हेल्थ का सवाल है, तो अब से अयान का खाना तुमने बड़ी माँ बनाएंगी। भाभी, मुझे लगता है कि आपको इस घर से चले जाना चाहिए, क्योंकि इस घर में किसी को आपकी कदर ही नहीं है, कोई आपकी इज्जत ही नहीं करता। और रही बात अयान भाई की, वो इंजेक्शन लेकर सो रहे, उनकी पल पल की खबर मैं आपको फोन पर देता रहूंगा। मुझे भी लगता है किंचुक ठीक कह रहा है, तुम प्लीज जाओ यहाँ से। बाबा, सच क्या ना बाबा, अरे को भी ऐसे ही लगता है ना कि मार्ट साहब की हालत मारी वजह से हुई है। कैसी बातें कर रही है फालतू? अरे मुझे तो तुम पर अयान से ज्यादा भरोसा है। मैं ये भी जानता हूँ कि अयान का ख्याल तुमसे बेहतर इस घर में और कोई नहीं रख सकता। बेटी, ये तुम्हारा घर है। एक बात कान खोलकर सुन लो सब लोग, मैं फालतू के खिलाफ एक शब्द बर्दाश्त नहीं करूंगा। अगर ऐसा हुआ ना, तो जो भी करेगा वो घर से बाहर जाएगा। आप इस लड़की के लिए हमें घर से बाहर निकालेंगे? देखा कुमकुम, ये लड़की अब हम दोनों के बीच में भी आ गई। बस कीजिए आप लोग, हमारी वजह से आपस में लड़ना बंद करो। अगर तेरे सबको मारे से दिक्कत है ना, तो मैं चली जाऊंगी यहाँ से। तुम कहीं नहीं जाओगी। ना बाबा, मैं बेवकूफ थी जो मैं वापस इस घर में आ गई, यही सोचकर कि मार्ट साहब को ठीक करना हमारी जिम्मेदारी है, पर मैं गलत थी। है सब तो हो ही ना उनके पास, जो हमारे से कई गुना बेहतर उनका ख्याल रख सकते हो। और वैसे भी रोज रोज के नए इल्जाम सुनने की ना शक्ति ना है हमारे अंदर, और थे सब लोग मारी वजह से लड़ो, ये तुम्हारे को कतई बर्दाश्त ना है। चलती हूँ। रुको फालतू, अब जब तुमने जाने का फैसला कर ही लिया है, तो मैं तुम्हें डिवोर्स पेपर्स भेज दूंगी, तुम वो साइन करके भेज देना। अब जब कोई रिश्ता रखना ही नहीं है, तो ये आखिरी कड़ी रखने का भी कोई मतलब नहीं है। और अच्छा ही है ना,
इसके बाद तुम दोनों नई सिरे से अपनी जिंदगी शुरू कर सकते हो। प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।